खेलो मास्टर्स महिला भारतीय टीम ने हाल ही में 21 से 25 जनवरी तक नेपाल पोखरा में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप कबड्डी टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक जीतकर देश का नाम रोशन किया। वही स्थानीय VSPM एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन नागपुर द्वारा संचालित जवाहरलाल नेहरू विद्यालय की हिंदी एवं संस्कृत विषय की शिक्षिका रश्मि योगेशपन जबलपुरे को उस टीम में जगह प्राप्त कर स्पर्धा में भाग लेकर विजेता टीम की सदस्य बनकर जवाहरलाल नेहरू हाईस्कूल के साथ ही सामने शहर का नाम रोशन किया। जवाहरलाल नेहरू विद्यालय के प्रांगण में शाला के पालक संचालक एडवोकेट चंद्रशेखर बरेठिया, पत्रकार संघ के अध्यक्ष किशोर ढुंडली, प्राचार्य कमल बुरान, मनोहर बावनकुले आदि ने रश्मि बन का सम्मान किया। इस अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा में भारत, श्रीलंका, नेपाल और भूटान के बीच हुए महिला कबड्डी मैच में भारतीय टीम में जगह बनाकर रश्मि पान ने विद्यार्थियों तथा महिलाओं के लिए रोल मॉडल तैयार किया है। इस अभिनंदन अवसर पर अपने विचार रखते हुए रश्मि बन ने कहा कि मैं खुद को भाग्यशाली मानती हूँ कि मैं बचपन से एक खिलाड़ी होने और अपने कॉलेज जीवन में कई अलग अलग खेलों का प्रतिनिधित्व करने का लाभ उठाते हुए इस उम्र में भी भारतीय टीम में खेलने का मौका मिला है। यदि लड़के लड़कियां बचपन से ही अपनी प्रतिभा को निखारे, अवसर का लाभ उठाए और उन प्रतिभाओं को आगे बढ़ाए तो सफलता निश्चित तौर पर उनके कदम चूमेगी। ऐसे विचार रख छात्र छात्राओं को खेल के प्रति प्रोत्साहित किया। वही आयोजन के अध्यक्ष चंद्रशेखर बरेठिया ने अपने संबोधन में कहा कि आंतरिक इच्छा, महत्वाकांक्षा व आत्मविश्वास के बल पर महिला बड़ी से बड़ी प्रगति कर सकती है। यह हमारी संस्था की शिक्षिका रश्मि बन ने दिखा दिया है। आज हमारी संस्था तथा शहर के लिए गर्व का दिन है, ऐसे विचार व्यक्त किए हैं। वही जवाहरलाल नेहरू विद्यालय तथा संस्था का नाम रोशन करने पर संस्था के अध्यक्ष पूर्व मंत्री रंजीत बाबू देशमुख और डॉक्टर आशीष देशमुख एवं समस्त पदाधिकारियों ने रश्मि बन को बधाई दी। कार्यक्रम का संचालन सुधाकर गजबी ने किया तथा आभार प्रदर्शन योगेश बन ने किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी एवं छात्र छात्राएं उपस्थित थे। हालांकि सपना ये मेरा बचपन से ही था। बचपन से ही मैं स्टेट खेली हूँ, कबड्डी स्टेट मेरा गेम ही कबड्डी है। कबड्डी स्टेट खेली हूँ, कबड्डी नेशनल्स है, यूनिवर्सिटी की कैप्टनशिप भी कबड्डी की मैंने की हूँ। और बचपन से मुझे ऐसा लगता था कि मैंने इंटरनेशनल मतलब इंडिया को रिप्रेजेंट करना चाहिए। तो वो सपना पहले तो नहीं पूरा हो पाया, लेकिन 40+ मास्टर्स गेम्स ये जब आए, इस एसोसिएशन के द्वारा जब मैं चयन हुई भारत के लिए, तो बहुत मुझे खुशी हुई। और जो मैंने मतलब कि अपना गेम रिप्रेजेंट किया, उससे मुझे बहुत अच्छा लगा और बहुत अच्छा, बहुत गर्व महसूस कर रही हूँ मैं, बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ। देश के किस किस राज्यों से आए हुए खिलाड़ियों के साथ में आपका टीम बनी? हाँ, हिमाचल प्रदेश से आए थे, महाराष्ट्र से आए थे, हरियाणा से आए थे। इस तरह से जो लड़कियाँ थी वह टीम में पुलिस डिपार्टमेंट की थी, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की थी, टीचर्स थी। इस तरह से सारी 40+ 30+ एजेस की जो लेडीज थी उनकी वहाँ पर टीम बनी हुई थी। फाइनल में जाने के बाद आपको कैसा लगा देश का प्रतिनिधित्व करते हुए? बहुत खुशी महसूस हो रही थी अंदर से, मतलब कि रोमांच उत्पन्न हो रहा था कि जो सपना था, जो बकेट लिस्ट होती है सभी की अपनी अपनी, वो आज पूरी करने जा रही हूँ। मतलब इंडिया तो हो गई थी, लेकिन उसमें भी गोल्ड के लिए हम लोग ट्राई करने वाले हैं, तो बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। इंडिया का ट्रैक पहनकर एक महिला जब मैदान में उतरती है, तो वो भारत माता या पूरे देश के बारे में क्या सोचती है? हाँ, पहले तो सबसे पहले देश ही याद आता है, देश का राष्ट्रगान याद आता है, देश का तिरंगा याद आता है। कि वो राष्ट्रगान गाए जब हमारा बख्शीश वितरण समारोह हो, तब हमारा देश का तिरंगा फहरा है और उसी चाह में हम लोग खेलते हैं। हमारी जवाहरलाल नेहरू स्कूल जो है, वो इसका नाम एकेडमी के साथ स्पोर्ट्स में बहुत प्रसिद्ध है तहसील लेवल पर, और बहुत यहाँ कॉम्पिटिशन से ही यहाँ पर एडमिशन्स होते हैं। यहाँ के टीचिंग स्टाफ भी बहुत अच्छा है, और स्पेसिफिकली यहाँ के जो मेरिट वाले जो लड़के हैं, तो हर सामाजिक क्षेत्र में जाकर उन्होंने अपना नाम किया है। स्पोर्ट्स के विषय में कहूँगा कि फक्त विद्यार्थी नहीं, बल्कि हमारे टीचर में से ही जो लोग सामने आए हैं, उसमें से हमें बड़ा गर्व है कि हमारे जो शिक्षिका हैं बन मैडम, इन्हें रश्मि बन इनका पूर्ण नाम है, और इन्होंने अभी लेटेस्ट में एक रिप्रेजेंटेशन किया प्रतिनिधित्व हमारे
स्कूल का नहीं बल्कि हमारे देश का किया। तो देश में भारत में जो 11 लोग चयन किए गए उसमें महाराष्ट्र से रिप्रेजेंटेशन इनका था। तो भारत के 11 टीम में कबड्डी के विशेष में मैं कहूँगा कि कबड्डी में 11 लोगों में इनका नाम था, उसमें ये खिलाड़ी थी। और 4 देशों का जब अंतर्राष्ट्रीय क्रीड़ा जो आयोजित किया गया नेपाल में, तो नेपाल, श्रीलंका, भूटान और भारत, ऐसे। NBC न्यूज़ के लिए सावनी से किशोर टुंडेली की रिपोर्ट।